हाँ जी दोस्तों, की हाल चाल, वेलकम बैक। दोस्तों मैं अपनी वही फेवरेट जगह उत्ती बैठा, वीरांच खंडर। तो अज मैं सोचा वीडियो बनानी नहीं सी, बट मैं सोचा एक गल याद आई मेरे, शेयर कर देव। ये जगह पहला दोस्तों, ये जगह मैं बहुत पसंद है। एक भी बंदा नहीं हैगा इत्थे मेरे अलावा। धुप्प च बहुत मज़ा आ रहा वा, इत्थे सिर्फ मैं ही हाँ। तो दूर एक हाईवे है, हाईवे की आवाज़, तो होर कोई जीव जंतु जानवर कोई होने है इत्थे, पशु पक्षी, जंगली सूर भी हो सकता। तो नाल एक नदी है, तो इत्थे कई बार डंगर चरण वाले भी मिल जाते हैं। होर एक दूर नू जाके पीर बाबे की दरगाह वा। तो स्टोरी अज एक सुना तुहानू मैं दोस्तों। ये गल 24-25 साल पुरानी आ, जदों मैं 2-3 साल का होऊंगा। उस वक्त मैं बाबा जी नू पहली बार देखिया। मैं अपना एक्सपीरियंस तुहानू दसन लग्या दोस्तों। वह जगह ब्यास सी, लेकिन जिवें मेरे फादर आर्मी च हुंदे सी दोस्तों, ऐसी आउट ऑफ पंजाब सी, शायद जम्मू सी, उत्तों ऐसी ब्यास आई सी। तो दोस्तों तुहानू जो पुराने बजुर्ग उन्होंने याद होना, एक गोल चक्कर हुंदा सी। देखो दोस्तों मैं अजे भी याद आ वो चीज़ा। एक मिनट दोस्तों, ट्रेन आ गई। दोस्तों मैं वो गल्लां 25 साल बाद भी याद आ, ते होर भी 20 साल पुरानियां गल्लां, 22 साल 25 साल पुरानियां गल्लां अजे भी याद ने मैनू। वह गोल चक्कर कोल मैं अपने फादर नाल खड़ा सी, ते उत्थे बाबा जी ने आना सी। ते उस टाइम डेरा इन्ना डेवलप नहीं सी, ते गोल चक्कर कोल जद बाबा जी ने आना सी, उत्थे बहुत संगत खड़ी सी आस पास गोल चक्कर दे। ते एक एम्बेसडर कार हुंदी सी ना, मेरे ख्याल नाल ओही सी उस टाइम। मैनू याद आ जद बाबा जी उत्थे आए, संगत बहुत खुश हुई। ते लैफ्ट साइड ते बाबा जी बैठे सी, ते मैं बाबा जी दे दर्शन किते सी। बाबा जी सामने देख रहे सी, क्योंकि चारों सफेरे संगत सी, ते तां करके बाबा जी सामने देख रहे सी। ते भई जिहड़ी संगत ने भी दर्शन कर ले। ते जद तां बाबा जी उन्हां दी एज घट ही सी, ते बहुत हुण भी जद मैं सोचदा वह जगह वह एक्सपीरियंस बहुत वधिया, एक मन नूं महसूस हुंदा वा। ते होर भी कई गल्लां मैं तुहाडे नाल शेयर करूँगा। वो माहौल बारे जद भी सोचदा मैं बहुत वधिया लगदा वा। वो एक पुराना डेरा आपां कह सकदे हां, जो मेरे दिलो दिमाग च वसिया वा। ते मैं जो बजुर्ग जिन्हां नूं बड़े महाराज जी तो नामदान मिलिया सी, उन्हां नाल भी कई बार गल कर चुक्या। जिन्हां नूं हजूर महाराज जी तो नामदान मिलिया सी, उन्हां नाल भी मैं कई बार गल कर चुक्या। ते इद्दे तां पहुंचियां ही रूहां कदों दे सचखंड पहुँच गए होणे आ। ते ओह जो बचपन विच मैं डेरा ब्यास अंदरों बाहरों देखिया, अपने पूरे फैमिली मैंबर्स नाल भी गया, उस तो पहला भी उस तो बाद भी, वह भी मेरे याद है। सब कुछ कुछ भी मैं भुलिया नहीं, बहुत वधिया वधिया गल्लां ने जो अगे होर तुहानू उस टाइम दी दसण वालियां ने, तां वह भी मैं अगली वीडियो शेयर करूँगा। एक होर दोस्तों तुहानू गल दसदा, उस नूं भी 24-25 साल हो गए। वह मेरे ख्याल नाल जम्मू दा ही सीगा सेंटर, जद उत्थे बन रहा सीगा, बहुत पुरानी गल, अद्धा बन चुकिया सी ते काफ़ी अजे बनना सी। उस एरिए विच पत्थर बहुत हुंदे आ, पहाड़ पत्थर। तो उत्थे जिथे सेंटर बन रहा सीगा, वो पहाड़ा ते बहुत संगत खड़ी सी, ते मैं अपने फादर नाल खड़ा सी। ते जिथे खड़े सी ना, उत्थे पत्थरे पत्थर सीगे, ते होर भी नाल संगत खड़ी सी। उत्थे भी बाबा जी ने आना सीगा उस जगह नूं देखन, चैक करन। ते इसी बहाने संगत नूं दर्शन करन दा मौका मिलिया, ते असीं भी उत्थे पहुँच गए, क्योंकि सत्संग हो के हटिया सी। उस तो बाद सारे उत्थे जा रहे सी फटाफट, ते असीं भी एक जगह खड़ गए। पत्थर बहुत सी, मेरे फादर ने मैनू कहा भी ध्यान आ, इत्थे पत्थर बहुत ने। ते मैं 2-3 साल दा होऊंगा। ते दोस्तों बाबा जी आउण तो कुछ मिनट पहले ही, जिते साडे नाल एक अंकल खड़े सीगे, ज़्यादा बजुर्ग नहीं सी, ओह ना जो पत्थर सीगे, पत्थरां दी वजह नाल स्लिप हो गए। ते असीं बहुत हाइट सीगी, ते मेरे फादर ने उन्हां नूं फड़ लिया, ते होर भी संगत आ गई, ते होर भी बंदे आ गए उन्होंने फड़न वास्ते। जे असी ना फड़ते, शायद उन्होंने थले जाना सी पूरा, जिथे बाबा जी दर्शन दे रहे सीगे। शायद मेरे ख्याल नाल बाबा जी कोले पहुँचना सी उन्हें वो वास्ते तो वधिया चीज़ हो जाती।
पर उन्हां दा बचाव हो गया। तो उस तो ही बाद बाबा जी उत्थे आए तो असीं बड़ी दूरों दर्शन किए। पहाड़ी एरिया तो सीगा ही, वह जम्मू च तुहानूं पता कुछ इदां दे इलाके हैगे ने अजे। वह तो जगह बहुत वधिया सी, इहो जिहे इलाके बहुत वधिया हुंदे ने, ते हुण तां काफ़ी डेवलपमेंट हो गई है। उस जमाने तो दोस्तों सत्संगी हुंदे सी घट, मतलब हुंदे तो बहुत सी पर अज दे मुकाबले बहुत घट हुंदे सी। ते जद किसी नूं पता लगदा सीगा वी इह अगला भी सत्संगी है तो बहुत ज़्यादा प्रेम प्यार महसूस हुंदा सीगा। लेकिन अज मैं जिस तक देखिया कुछ मैनू महसूस होया, एक बार तुसी हजूरी दा सत्संग भी सुनिया होना, उन्होंने भी कहा सी कि जिहड़े डेरे विच भी राहसोमी बड़े बड़े अहुदियां ते जिहड़े रहिंदे ने उह एक दूजे नूं कहिंदे राहसोमी तक नहीं बुलाउंदे प्यार नाल। जिन्हां ने यह गल सुनी है हजूर जी तों उह कमेंट करके दस सकदा। तो ये गल दोस्तों मैं देखी है क्योंकि अजकल बहुत ज़्यादा चलो कृपा नाल संगत बहुत हो गई है, लेकिन जो उस जमाने में जो प्रेम और प्यार एक दूजे सत्संगियों नूं देख के जो महसूस हुंदा सी ना, वह हुण मेरे ख्याल नाल नहीं हुंदा जां बहुत घट गया। होणगीआं कुछ रूहां जो जिन्हां दी अवस्था भी होगी प्रेम और प्यार दी जो हजूर जी ने सानूं सिखाई है, लेकिन मैं तां भी नोटिस आही कीता। बाकी तुसीं दस सकदे हो कमेंट च तुसीं की कीता नोटिस। तो सोचो उस जमाने हजूर जी उस सत्संग किन्ने पुराने ने, उस वक्त हजूर जी ये गल कह रहे सीगे, वह भी जिहड़े डेरे दे सेवादार ने बहुत बड़े बड़े अहुदियां ते, उन्हां नूं मैं नहीं बई कुछ कह रहा। तो अज तो संगत बहुत ज़्यादा वा, तो अज तो होर भी इदा का तुसी खुद देखिया होना। तो एक तुसी सुनिया ना कि जिहड़े आशिक हुंदे आ ना उन्हां नूं उन्हां दे यार दी गली दा कुत्ता भी प्यारा लगदा। उस तरह ही जद पिछले जमाने बड़े हजूर महाराज के टाइम च बंदियां नूं पता लगता सी ना कि ये बंदा उत्थे ही रहिंदा जां ये भी एक सत्संगी है, तो वह ऑटोमैटिकली वह प्रेम भाव आ जाता सीगा। जिमें हीर रांझे की स्टोरी आप पढ़ते हैं ना, वो एक उदाहरण हुंदा कि उस शहर का उस पिंड का या उस महल का एक बंदा मेरे को आया या मैनू उस दे नाल मिलन का मौका मिलया, तो बंदे दे अंदर ऑटोमैटिकली वो प्रेम भाव और रिस्पैक्ट जागती है। वो चीज़ मतलब एक एग्जाम्पल देंदे हुंदे संत महात्मा कि उह जिहा प्यार सानू अपने गुरु नाल होना चाहिए। एक स्टोरी है दोस्तों, उहदे उत्ते वीडियो काफ़ी बड़ी बन जानी है, वह मैं तुहानूं किसी होर एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगा उसके उत्ते, जद वो बहुत घट दोस्तों ने सुनी होनी है। आपां जद अंदर जाने भजन सिमरन करके उस मुकाम ते, फिर अपना पूरी टाइमलाइन देख सकते हैं, पूरी हिस्टरी जो अपने हीर रांझे की स्टोरियां सुनिया ने, सस्सी पुन्नू मिर्जा साहिबा, जे आप इन्हां च बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं तो ये भी आप देख सकते हैं, एक एडवेंचर कह लो। पर हुंदा उही है ना कि आप मोह विच भी पै सकते हैं, फिर ये भी नुकसान है सानू। इस करके हजूर जी कहते होंगे कि इस पंगे विच पैना नहीं चाहिए, अवॉइड करो। लेकिन कुछ ऐसा भी रूहां हुई ने जिन्हां ने अंदर जाके सब कुछ देखिया उस टाइम का, जो पहुँचे हुए संत महात्मा या बहुत मशहूर हस्ती होया करते सीगे, जिहड़े पूरे वर्ल्ड वाइड मशहूर ने इतिहास विच, जिन्हां का इतिहास, वो चीज़ा भी ऐसा भी रूहां हुई ने जिन्हां ने अंदर सब कुछ देखिया वा। आ देखो दोस्तों मैनू बेर मिले इत्थे आ गया, देखो क्या बात है, देखते दे उन्हें खा के लो बई बेरां दा आनंद लेंदे हुए।